अब हम बात करेंगे आर्ट और कल्चर की. वी विल टॉक अबाउट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ हरियाणा. एंड सी, आर्ट एंड कल्चर के मामले में भी हरियाणा इज वेरी रिच. इट्स वेरी रिच इन आर्ट एंड कल्चर. यहाँ का आर्किटेक्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज, म्यूजिक, यू कैन से डांसेस, देन फेस्टिवल्स, फेयर्स, काफ़ी कुछ है यहाँ पर जो कि इसे काफ़ी कल्चरली रिच और वाइब्रेंट बनाता है. सो इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर सीरीज, आने वाले कुछ क्लासेस में हम यही बात करने वाले हैं. यहाँ के हर एक आस्पेक्ट को हम डिटेल में देखेंगे. कौन कौन से फेमस लोग हुए हैं यहाँ से हर एक फील्ड से. जब उस फील्ड को हम डिस्कस करेंगे तो हम उन लोगों का भी जिक्र करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वेन विल टॉक अबाउट द म्यूजिक ऑफ हरियाणा, तो म्यूजिक, उस म्यूजिक में कौन कौन से फेमस म्यूजिशियंस या फिर सिंगर्स या फिर क्लासिकल जो स्टॉलवर्ट्स हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे. सिमिलरली आज हम बात करेंगे लैंग्वेज और लिटरेचर के बारे में, द लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ हरियाणा. लैंग्वेज जो कि एक पहचान है हरियाणा की, बिकॉज हरियाणा प्राइमरीली जब एक पॉलिटिकल एंटिटी बना 1966 में, द बेसिस वॉज द लैंग्वेज. हरियाणा में हिंदी बोलने वाले और हरियाणवी बोलने वाले लोगों की वजह से द स्टेट ऑफ हरियाणा केम इनटू एग्जिस्टेंस. सिमिलरली लिटरेचर, अब जब हम लिटरेचर की बात कर रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि हरियाणा में एज अ पॉलिटिकल एंटिटी क्रिएट होने के बाद जो लिटरेचर बनाया हम सिर्फ उसकी बात करेंगे. नो, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर ऑफ हरियाणा जो कि एंशियंट टाइम से बना हुआ है हरियाणा में. फॉर एग्जाम्पल, इवन महाभारत भी यहाँ पर लिखी गई थी बाय महर्षि वेदव्यास. तो यहाँ के जो लोग हुए हैं उन्होंने लिटरेचर में क्या कंट्रीब्यूशन दिया और यहाँ पर जो लिटरेचर बना उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, ये सब हम बात करेंगे इस क्लास में, लैंग्वेज एंड लिटरेचर ऑफ हरियाणा. उसके अलावा और भी बहुत सारे आस्पेक्ट हैं हरियाणा की लैंग्वेज और लिटरेचर के, आर्ट एंड कल्चर के बहुत सारे आस्पेक्ट हैं, उन्हें हम अलग अलग डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ हरियाणा. हिंदी लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ हरियाणा एज अ स्टेट. हरियाणा को एज अ स्टेट जब क्रिएट किया गया उसका बेसिस ही हिंदी था. देखिए 1950s में, अर्ली 1960s एंड लेट 1950s, ये ऐसा वक्त था जब पंजाब वाली प्रोविंस में, क्योंकि उस वक्त हरियाणा पंजाब का पार्ट हुआ करता था, जब पंजाब वाली प्रोविंस में इस बात को लेकर थोड़ी टसल शुरू हो गई दैट पंजाबी शुड बी डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ